ऑफ माई हिस्ट्री क्लास, और आज की क्लास में भी हम मिसलेनियस इंडिया के क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन, हु सैड गॉड नोज मैंस वर्च्यूज एंड इंक्वायर्स नॉट हिज कास्ट, इन द नेक्स्ट वर्ल्ड देयर इज नो कास्ट। किसने कहा था ईश्वर मनुष्य के गुणों को जानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता है, दूसरी दुनिया में कोई जाति नहीं है? ए कबीर, बी रामानंद, सी चैतन्य या डी गुरु नानक। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए कबीर। नेक्स्ट, द ऋग्वेदिक भरतास आर एसोसिएटेड विद, ऋग्वेदिक भरतों का संबंध किससे है? ए द इंडस वैली, बी द सरस्वती वैली, सी द सतलज वैली या डी द परुषिनी वैली। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, परुषिनी घाटी जो है उससे इसका संबंध है। ये भरत ये आर्यन क्लैन थी जिनका कि आपके ऋग्वेद के तीसरे और सातवें मंडल के अंदर आपको जिक्र मिल जाता है। जो ये दशराजन युद्ध हुआ था इसके अंदर ये विजयी हुए थे परुषिनी, जो कि रावी नदी थी। रावी नदी का पुराना नाम जो आपको ऋग्वेदिक काल में मिलेगा वो परुषिनी था। तो उसके किनारे पे जो ये दशराजन युद्ध हुआ था उसमें ये भरत जो थे ये क्लैन ये विजयी साबित हुई थी। नेक्स्ट, After the initial success of the revolt of 1857, the objective for which the leaders of the revolt worked was, 1857 के विद्रोह की आरंभिक सफलता के बाद वह कौन सा उद्देश्य था जिसके लिए विद्रोह के नेताओं ने काम किया? A. To form a federation of Indian states under the aegis of Bahadur Shah, बहादुर शाह द्वितीय के तत्वावधान में भारतीय राज्यों का एक संघ बनाना। B. टू रिस्टोर द फॉर्मर ग्लोरी टू द मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य के पूर्व गौरव को वापस लाना। सी एलिमिनेशन ऑफ फॉरेन रूल एंड रिटर्न ऑफ ओल्ड ऑर्डर, विदेशी शासन का अंत तथा पुरानी व्यवस्था की वापसी। या डी ईच लीडर वॉन्टेड टू एस्टेब्लिश हिज ओन पावर इन हिज रेस्पेक्टिव रीजन, प्रत्येक नेता अपने क्षेत्र में अपनी खुद की सत्ता की स्थापना करना चाहता था। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, एलिमिनेशन ऑफ फॉरेन रूल एंड रिटर्न ऑफ द ओल्ड ऑर्डर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर फाउंड टू बी इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? फर्स्ट, देवबंद मूवमेंट बिगन इन 1867 विद एन एम ऑफ यूनाइटिंग ऑल मुस्लिम्स टू प्रीच द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम एंड टू एजुकेट मुस्लिम्स। देवबंद आंदोलन 1867 में शुरू हुआ जिसका लक्ष्य सभी मुस्लिमों को एकजुट करना, इस्लाम के मूल सिद्धांतों की शिक्षा देना तथा मुस्लिमों को शिक्षित करना था। तो ये आपका करेक्ट है। सेकेंड, द खालसा कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1892 इन अमृतसर बाय मेंबर्स ऑफ सिंह सभा मूवमेंट, द कॉलेज वॉज डिजाइंड बाय भाई राम सिंह प्रिंसिपल ऑफ मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स लाहौर। खालसा कॉलेज की स्थापना 1892 में अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन के सदस्यों के द्वारा की गई थी। इस कॉलेज की परिकल्पना भाई राम सिंह के द्वारा की गई थी जो मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रधानाचार्य थे। तो ये भी करेक्ट है। थर्ड, स्वामी विवेकानंद अ प्रीस्ट एट अ टेम्पल इन दक्षिणेश्वर नियर कैलकटा एम्फेसाइज्ड दैट देयर आर मैनी रोड्स टू गॉड एंड सेल्वेशन एंड दैट सर्विस टू मैन वॉज सर्विस टू गॉड। स्वामी विवेकानंद जो कलकत्ता के समीप दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी थे उन्होंने बल दिया कि ईश्वर तथा निर्वाण तक जाने के कई मार्ग हैं और मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है। तो ये आपका इनकरेक्ट है क्योंकि दक्षिणेश्वर मंदिर के अंदर जो पुजारी थे वो स्वामी विवेकानंद नहीं बल्कि इनके गुरु रामानंद सागर थे। तो ये आपके रामकृष्ण परमहंस, रामानंद सागर नहीं रामकृष्ण परमहंस थे। तो ये इसका रॉन्ग स्टेटमेंट है ये आपका। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया कि थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, फेडरेशन इंडियन रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिजर्वेशन एंड सेफ गार्ड्स वर द थ्री लिंचपिंस ऑफ, संघ भारतीय जिम्मेदारी आरक्षण और रक्षोपेय किसके तीन बुनियादी सिद्धांत थे? ए रेडक्लिफ अवार्ड, बी पूना पैक्ट, सी मैकडोनल्ड अवार्ड या डी गांधी इरविन पैक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी गांधी इरविन पैक्ट। ये जो था गांधी इरविन पैक्ट में गांधी जी ने कांग्रेस के बिहाफ पे दो एक ये शर्तें मानी, एक तो कि ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, दूसरा कि ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ये अटेंड करेंगे जो कि मतलब कि उस पर ये जो चीज़ें हैं कि ये फेडरेशन इंडियन रेस्पॉन्सिबिलिटी और रिजर्वेशन एंड सेफ गार्ड्स जो हैं इंडिया के इंटरेस्ट के उनको अगर डिस्कस किया जाएगा क्वेश्चन को तो हाँ ये फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे। तो ये पैक्ट के अंदर गांधी जी ने एग्री किया था ये गांधी इरविन पैक्ट में। नेक्स्ट,
A Buddha can be born only as a Brahmin or a Kshatriya and not in low family such as that of a Chandala or a basket maker or of a chariot maker or of a Pukasa. From where do we get this information? बुद्ध का जन्म केवल एक ब्राह्मण अथवा एक क्षत्रिय के रूप में ही हो सकता है, ना कि चंडाल या टोकरी बनाने वाले अथवा रथ बनवाने वाले या पुकस जैसे निचले परिवार में। यह जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ए महावंस, बी ललित विस्तार, सी दीपवंश या डी सद्धर्म पुंडरिक। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी ललित विस्तार जो है, इसके अंदर ये आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, ये ललित विस्तार सूत्र जो है ये महायान बुद्धिस्ट का एक मतलब कि रिलीजियस टेक्स्ट है। इसके अंदर ये गौतम बुद्ध की लाइफ की स्टोरी बताते हैं कि जब ये तुषिता जो कि इनका जो हेवनली जो इनका माल्य अबाउट वहाँ से जब ये आए और इन्होंने जब सारनाथ में अपना पहला सरमन दिया तब से लेके तब तक की ये जो स्टोरी जो इनकी लाइफ की बताते हैं वो है ये ललित विस्तार सूत्र के अंदर। नेक्स्ट, विच फेमस सोशल रिफॉर्मर रोड द बुक्स ज्ञान योग, कर्म योग एंड राजयोग। किस प्रसिद्ध समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग पुस्तकों को लिखा है? ए एम जी रानाडे, बी रामकृष्ण परमहंस, सी राजा राम मोहन रॉय या डी स्वामी विवेकानंद। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द सेटल्ड एग्रीकल्चर फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम। उपमहाद्वीप में व्यवस्थित कृषि को सबसे आरंभिक साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? ए कालीबंगा, बी अमरी, सी इनामगढ़ या डी मेहरगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी मेहरगढ़। मेहरगढ़ ये आपका बलूचिस्तान रीजन जो है पाकिस्तान का, वहाँ पे ये मिलता है। तो यहाँ पे आपको अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं एग्रीकल्चर के, एक तो बारले के मिलते हैं और कुछ इसमें वहाँ पे वीट भी मिलती है। ठीक है, जो वहाँ पे बारले जो मिली थी, जो वेल डेवलप्ड सिक्स रो जो बारले की होती है वो वाली बारले आपको मिली थी इसके अंदर, और थोड़ी अमाउंट तो वाइल्ड बारले की भी मिली थी। ठीक है, और वहाँ पे चार टाइप की वीट मिली थी। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन सी चार टाइप की वीट मिली थी, कौन सी नहीं मिली थी। तो इसमें से देखें, नाम याद करें, एनकॉर्न, एमर, दुरुम और ब्रेड वीट। ये चार टाइप की वीट आपको कहाँ से मिली थी? मेहरगढ़ से मिली थी। तो ये आपको याद रखनी है नाम, ये क्वेश्चन आ भी सकता है आपके। ठीक है, लेकिन वहाँ पे आपने ये दो क्रॉप्स तो मिले लेकिन इरिगेशन का कोई भी एविडेंस अपन को नहीं मिलता है। लेकिन आपको ये ज़रूर देखने को मिलता है कि भेड़ और बकरी वहाँ पे जो थी वहाँ पे ये ज़रूर पालते थे मेहरगढ़ के अंदर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट गांधीयन क्रिटिक ऑफ मॉडर्निटी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधुनिकता की गांधीवादी आलोचना के विषय में नहीं है? ए इट कंडेम्स द होल स्पिरिट ऑफ कंज्यूमरिज्म, ये उपभोक्तावाद की पूर्ण धारणा की निंदा करता है। तो ये सही है, ये कंज्यूमरिज्म को गांधी जी एक इविल मानते थे कि आपको हद से ज़्यादा अगर आप कंजम्पशन करते हैं तो कि आपके रिसोर्सेज पे स्ट्रेस पड़ता है और जो नीडी हैं उनको नहीं मिलता, तो ये तो सही है। बी गांधी जी इज रिजेक्शन ऑफ एवरीथिंग एसोसिएटेड विद द वेस्ट, पश्चिम से जुड़ी सभी चीज़ों को गांधी जी के द्वारा खारिज करना, तो ये गलत है क्योंकि गांधी जी ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट थे, ब्रिटिश के अगेंस्ट नहीं थे, तो ये आपका गलत हो गया। सी इट इज़ अ क्रिटिक ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ मटेरियलिज्म, ये भौतिकतावाद के सिद्धांत की आलोचना करता है, तो ये सही है, गांधी जी ज़्यादा भौतिक विलास में विश्वास नहीं रखते थे, तो ये भी सही है। डी गांधी जी इज एम्फेसिस ऑन द डिग्निटी ऑफ मैनुअल लेबर, मानव श्रम के सम्मान पर गांधी जी के द्वारा दिया गया जोर, तो ये भी सही है आपका क्योंकि गांधी जी मैनुअल लेबर की काफ़ी इज्जत करते थे और वो ये मतलब कि हर छोटे काम की अहमियत को समझते थे और इसीलिए वो मतलब गांधी जी खुद अपने साफ सफाई और सारा काम खुद करना पसंद करते थे, तो ये भी आपका सही है। तो आपका जो गलत है, जो इनका इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो पूछा है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, व्हाई डिड ब्रिटेन सो इजीली गेन वाइड कंट्रोल ओवर इंडिया इन द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में ब्रिटेन ने भारत पर आसानी से विस्तृत नियंत्रण कैसे हासिल कर लिया? ए इंटरनल डिविजन्स विद इन द इंडियन स्टेट्स, भारतीय राज्यों के भीतर आंतरिक विभाजन मौजूद थे, ये तो सही है, अपने ये इंडियन स्टेट्स आपस में बहुत ज़्यादा बुरी तरह से डिवाइडेड थे और मतलब आपस में इतना लड़ते रहते थे कि कई लोग तो अपने मतलब कि सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए ब्रिटिश के साथ भी हो गए थे, तो इंटरनल डिविजन्स तो प्रेजेंट थे, तो ये तो सही है। सेकेंड, इंग्लिश रूल वॉज माइल्डर देन नेटिव रूल, अंग्रेजी शासन घरेलू शासन से ज़्यादा दयालु था, तो ये देखिए इनिशियली जब ये ब्रिटिश आए तो ये थोड़े ज़्यादा बेनिवोलेंट थे अपने नेटिव रूलर से, कई बार नेटिव रूलर्स बहुत ज़्यादा एक्सेसिस कर जाते थे तो वो ब्रिटिश के अंदर नहीं था, तो ये भी आपका सही है। थर्ड,
द ब्रिटिश ब्रॉट ऑर्डर टू द लैंड्स दे गवर्न्ड, अंग्रेजों ने जहाँ शासन किया वहाँ व्यवस्था की स्थापना की। तो सही है, ये ब्रिटिश जो थे ये एक कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे रूल करते थे, सारा सारा लॉ के अकॉर्डिंग काम होता था, तो वो जहाँ भी जाते थे तो वहाँ पे एक ऑर्डर एस्टेब्लिश हो जाता था। तो ये भी आपका सही है, तो आपके ऑप्शन डी सही हो गया, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों के तीनों आपके सही हैं। नेक्स्ट, होम चार्जेस वर, गृह शुल्क क्या थे? तो देखें, ए पेड बाय इंडिया टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, भारत के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को भुगतान किया जाता था। बी पेड बाय इंडिया टू ब्रिटेन, भारत के द्वारा ब्रिटेन को भुगतान किया जाता था। सी पेड बाय ब्रिटेन टू इंडिया, ब्रिटेन के द्वारा भारत को भुगतान किया जाता था। या डी पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द नेशनलिस्ट्स, भारत के सरकार के द्वारा राष्ट्रवादियों को भुगतान किया जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पेड बाय इंडिया टू ब्रिटेन। तो ये ब्रिटिश इंडिया के अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी दिया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ताकि ये जो इंडिया के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी मेंटेन करना और जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनका ये खर्चा कर सके, मतलब उनके तौर पे, इस खर्चे के तौर पे ये इनको देते थे। तो देखिए, मतलब कि यहाँ से रुपये वैसे भी लूट रहे थे और उसके बदले में रुपये लूटने के बदले में और रुपये मांग रहे थे अपन से, ठीक है। तो इन चार्जेस को ये कहते थे होम चार्जेस, कि जैसे कि ये एक्सपेंसेस कौन कौन से इसमें मीट करते थे। तो इसके पांच ये कंपोनेंट्स मानते थे, एक तो इंटरेस्ट पेएबल ऑन इंडियन डेट, सेकंड ये जो शेयर होल्डर्स थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के इनको डिविडेंड देना, तीसरा जो रेलवेज है इस पर इंटरेस्ट देना, ठीक है। एक तो पहला कर्जे वाला हो गया, दूसरा ये डिविडेंड, तीसरा ये रेलवे पे इंटरेस्ट, चौथा ये जो सिविल और मिलिट्री के जो चार्जेस, और पांचवा जो इंग्लैंड के जो स्टोर परचेजेस होती थी उनका। तो ये पांच इनके कंपोनेंट थे, ये आपको कंपोनेंट याद रखने हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पांचों के पांचों, कोई भी आपके ये क्वेश्चन बन सकता है इनमें से, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन गांधीयन मूवमेंट्स इज नॉट करेक्ट, गांधीवादी आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? ए गांधीयन मूवमेंट्स वर नॉन वायलेंट इन नेचर, गांधीवादी आंदोलन अहिंसावादी प्रकृति के थे, तो ये तो सही है। बी महात्मा गांधी वॉज इन फेवर ऑफ मास मूवमेंट, महात्मा गांधी जन आंदोलन के पक्ष में थे, तो ये तो अपन को पता ही है, अपने गांधी जी के सारे सारे लगभग आंदोलन जन आंदोलन थे स्वतंत्रता के। सी महात्मा गांधी वॉज इन फेवर ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, महात्मा गांधी निष्क्रिय प्रतिरोध के पक्ष में थे, तो ये सारा का सारा इसी का तो खेल था, सिविल डिसोबीडियंस नॉन कोऑपरेशन, ये पैसिव रेजिस्टेंस ही तो थे। डी इन गांधीयन मूवमेंट्स लीडरशिप हैड नो रोल, गांधीवादी आंदोलन में नेतृत्व की कोई भूमिका नहीं थी, तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि भाई यहाँ पे लीडरशिप का तो बहुत मेन रोल था, तो लीडर्स ही तो इंस्पायर करते थे मासिस को कि आप आइए और इसमें पार्टिसिपेट करिए, और लीडर्स ही जो थे वो उनको ये एंश्योर करते थे कि जो भी मतलब कि मासिस पब्लिक आई है वो सत्याग्रह के प्रिंसिपल्स को एडहेयर करे। तो ये आपका ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द वाइड एक्सेप्टेंस ऑफ द कल्ट ऑफ एक्सट्रीमिज्म, अतिवाद पंथ की विस्तृत स्वीकार्यता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार नहीं थे? ए टेरिबल फेमाइंस ऑफ 1896-97 एंड 1899-1901 फॉलोड बाय बुबोनिक प्लेग टुक अ वेरी हैवी टोल ऑफ लाइफ एंड द पीपल एट्रीब्यूटेड द फिनोमिना ऑफ एवर रिकरिंग फेमाइंस टू द एंटी नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट 1896-97 तथा 99 और 1901 के भयानक अकाल और उसके बाद गिल्टी प्लेग से जानमाल की भारी क्षति हुई तथा लोगों ने बार बार पड़ने वाले अकाल को सरकार की राष्ट्र विरोधी आर्थिक नीति से जोड़ दिया था। तो ये तो करेक्ट है आपका। नेक्स्ट, बी ऑप्शन, द एंटी इंडियन एंड इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन सच एज कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट एंड अबव ऑल द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 क्रिएटेड रिसेंटमेंट एंड प्रोवोक्ड वायलेंस। लॉर्ड कर्जन की भारत विरोधी तथा साम्राज्यवादी नीतियाँ जैसे कि कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, आधिकारिक राज अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम तथा इन सबसे ऊपर 1905 में बंगाल के विभाजन ने नाराजगी पैदा की तथा हिंसा भड़क गई। तो ये करेक्ट है, आपको ध्यान है, इनकी वजह से तो कांग्रेस में भी स्प्लिट हो गया था। सी द कॉन्स्टेंट इकोनॉमिक ड्रेन ऑन द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री ऑन अकाउंट ऑफ ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य के वैश्विक विस्तार के लिए देश में संसाधनों की लगातार आर्थिक पतन, तो ये इसका रीजन नहीं था आपके एक्सट्रीमिज्म के राइज का, क्योंकि ये तो अपने मतलब पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई कैसे ये हमें गरीब बना रहे हैं, पर ये मासिस ये इससे ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म की तरफ नहीं जा रहे थे इस रीज़न की वजह से। चौथा देखें,
Indian nationalists gained more confidence and drew inspiration from Abyssinian repulsion of the Italian army of 1896 and the Japan's thumping victory over Russia in 1905, which exploded the myth of European superiority. यूरोपीय सर्वोत्ता के मिथक को चूर करने वाली इतावली सेना के अबिसिनिया विद्रोह जो कि 1896 में हुआ तथा रूस पर जापान की जबरदस्त जीत 1905 में जो हुई थी, इसने भारतीय राष्ट्रवादियों को अधिक आत्मविश्वास तथा प्रेरणा दी। तो ये भी आपका करेक्ट है। तो जो आपका इनकरेक्ट है यह आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये जो आम जन थे इनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था कि पहले बाकी आपके जो रूलर्स थे वो इनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, अब ब्रिटिश एक्सप्लॉइट थोड़ा बहुत करने लग गए तो उनके इस चीज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन बाकी चीज़ों ने इसको फर्क डाला था, तो इसलिए ये एक्सट्रीमिज्म की तरफ ये जा रहे थे। नेक्स्ट, हु इज द राइटर ऑफ तबाकत ए अकबरी? तबाकत ए अकबरी के लेखक कौन है? ए अबुल फजल, बी ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद, सी बदाउनी या डी ख्वांद मीर? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। जो ये ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद बख्शी थे, ये एक मुस्लिम हिस्टोरियन थे, ये मेडिवल इंडिया के अंदर ये अकबर के मीर बख्शी थे, और इनका जो ये वर्क तबाकत ए अकबरी जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव हिस्टोरिकल वर्क है। ये गजनवी जो आपका जो पहला जो हुआ था यहाँ पे अटैक 1986-1987 से लेके अकबर के 38th ईयर जो रेन का था तब तक का ये बहुत ही अच्छा हिस्टोरिकल अकाउंट दिया जाता है, और इसके अंदर मतलब कि ऑथर ने 20 जो है और मतलब कि सोर्सेज को साइट किया है 29 और उनमें से कई सारे मतलब खो चुके हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा और मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिव वर्क है आपका हिस्ट्री का। नेक्स्ट, द कस्टम संथारा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट्स? संथार की प्रथा निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से जुड़ी हुई है? ए जैन्स, बी वैष्णव, सी बुद्धिस्ट या डी शैव? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए जैन्स। जो ये आपका ध्यान है ये जो फास्टिंग जो वॉलंटरी फास्टिंग होती है कि धीरे धीरे अपना खाना कम करके फिर एंड में अपने प्राण त्याग देना, वो ही आपका संथारा होता है। इसको अपने संथारा कह दें, सले खाना कह दें, समले खाना कह दें, या समाधि मरण कह दें, या संन्यास मरण कह दें, ये वो ही सेम चीज़ है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन महायान बुद्धिज्म एंड हिनायन बुद्धिज्म? महायान बौद्ध धर्म तथा हिनायन बौद्ध धर्म के बीच सर्वाधिक बुनियादी अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? ए कास्टलेस सोसाइटी, बी वर्शिप ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, सी एम्फेसिस ऑन अहिंसा या डी वर्शिप ऑफ स्तूपा? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, वर्शिप ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। जो ये देवी देवताओं की पूजा है उसके ये मतलब कि इस चीज़ पे ये डिफर करते हैं, क्योंकि महायान जो मानते हैं ये कि ये भगवान जो बुद्ध थे ये भगवान थे, हिनायन मानते हैं कि बुद्ध आपके इंसान थे जिन्होंने निर्वाण तक का रास्ता खोज लिया था। तो महायान बुद्ध की प्रतिमाओं और की पूजा करते हैं, हिनायन नहीं करते। आपको महायान सेक्ट ये इंडिया के नॉर्थ के अंदर मिलेगा, तिब्बत चाइना औरों के अंदर, और आपका हिनायन ये इंडिया के साउथ के अंदर मिलेगा, श्रीलंका औरों के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट्स कैन नॉट बी एस्क्राइब्ड टू द लेटर वैदिक पीरियड? निम्नलिखित में से किस घटना को उत्तर वैदिक काल में से नहीं जोड़ा जा सकता है? ए एमर्जेंस ऑफ टेरिटोरियल कैरेक्टर ऑफ किंगशिप, राज शासन के प्रादेशिक चरित्र का उदय, बी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कास्ट सिस्टम विद ऑल इट्स नॉर्म्स, सभी नियमों के साथ जाति व्यवस्था की स्थापना, सी ट्रांजिशन फ्रॉम पेस्टोरल टू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, चारागृह से कृषि अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तन, या डी अनचैलेंज सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मिन्स, ब्राह्मणों की निर्विवाद इत सर्वोच्चता? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये ब्राह्मण्स की जो सुप्रीमेसी है ये तो चेंज चैलेंज हुई थी, ये बाद में जो ये आपके जैनिज्म बुद्धिज्म और ये सारे जो ये रिलीजियस मूवमेंट आए थे जो कि आपके श्रमण जो मूवमेंट कहलाते थे, ठीक है, इसके अंदर ये आपके ब्राह्मण्स की ये जो ऑर्थोडॉक्सी और इनके रिचुअलिज्म को चैलेंज किया गया था। नेक्स्ट, द थीम्स ऑफ द मूरल्स ऑफ द अजंता केव्स आर? अजंता गुफाओं के चित्रों के विषय वस्तु क्या है? ये म्यूरल पेंटिंग मैंने आपको बताई थी ना, जो वॉल्स और जो सीलिंग्स और पे जो होती है वो आपकी म्यूरल पेंटिंग्स होती हैं। तो देखें, फर्स्ट, डेकोरेटिव डिजाइंस विच इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स, ट्रीज एंड फ्लावर्स, सजावटी रचनाएं जिनमें कई पशु, वृक्ष तथा पुष्प शामिल हैं, तो ये आपको मिलेंगे इसके अंदर पक्का, इसके अंदर मतलब के नंबर 19 और के अंदर और उसके बाद की केस में आपको दिखने लग जाते हैं।
सेकंड पोर्ट्रेट्स ऑफ वेरियस बुद्धाज एंड बोधिसत्व, विभिन्न बुद्ध तथा बोधिसत्व के चित्र, तो भाई ये जातक कथाओं का है तो ये तो आपका सही होएगा ही। और तीसरा भी सही होएगा कि नरेटिंग सीन्स पोर्टिंग जातक स्टोरीज, जातक कथाओं के कथात्मक दृश्य, क्योंकि ये बुद्ध से रिलेटेड सारा है, तो सेकंड और थर्ड सही होना ही है। तो आप डी और ए के, डी और बी के अंदर कंफ्यूज होते, तो ये फर्स्ट के अंदर आपको ये ट्रीज, फ्लावर्स और एनिमल्स भी मिलते हैं उनके अंदर पेंटिंग्स के अंदर, तो ये आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट, द फर्स्ट कांग्रेस एंड नेशनलिस्ट लीडर टू फेस रिपीटेड इंप्रिजनमेंट वॉज, प्रथम कांग्रेसी तथा राष्ट्रवादी नेता जिन्हें बार बार कारावास का सामना करना पड़ा कौन थे? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, सी फिरोज शाह मेहता और डी दादा भाई नेहरू जी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द मुगल्स इज इनकरेक्ट, मुगलों की राजस्व प्रणाली के विषय में कौन से कथन गलत हैं? फर्स्ट, लैंड रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड एज अ फिक्स्ड शेयर वेरिंग फ्रॉम 1/3 टू 1/2 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, भू राजस्व एक निर्धारित हिस्से के रूप में वसूला जाता था जिसकी सीमा कुल उपज के 1/3 भाग से लेकर आधे भाग के बीच थी, तो करेक्ट है। सेकेंड, रियोत्स वर एवेक्टेड फ्रॉम देयर होल्डिंग फॉर डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, भुगतान नहीं कर पाने के कारण रोयतों को या जो किसान थे उनको उनकी जोत से निकाल दिया जाता था, तो ये इनकरेक्ट है। डिफॉल्टर्स जो होते थे उनको क्या इम्प्रिजन करते थे, उनको जेल में सजा दी जाती थी, ठीक है। थर्ड, अकबर फॉलोड शेर शाह लैंड रेवेन्यू सिस्टम, अकबर ने शेर शाह की भू राजस्व प्रणाली का अनुसरण किया था, तो ये करेक्ट है। फोर्थ, पट्टा सिस्टम वॉज स्टार्टेड टू कंट्रोल द चीटिंग्स ऑफ टैक्सेस बाय पीजेंट्स, पट्टा प्रणाली की शुरुआत किसानों के द्वारा चोरी को नियंत्रित करने के लिए की गई थी, तो ये भी आपका सही है। तो इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट आपका सेकंड है, तो ऑप्शन नंबर बी सेकंड ओनली आपका इनकरेक्ट है। ये आपको जैसा मैंने बताया इम्प्रिजन करते थे, और यही आपके ब्रिटिश काल में 1793 तक हो रहा था आपके, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट आपके डिफॉल्ट पेमेंट के लिए। उसके बाद में फिर उसके इनकी एस्टेट को मतलब सेल करना स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ने 1793 के बाद। नेक्स्ट, जीरो वॉज इन्वेंटेड बाय, शून्य की खोज किसने की थी? ए आर्यभट्ट, बी भास्कर फर्स्ट, सी वर्महीर या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका आर्यभट्ट, नहीं है आर्यभट्ट मत देना, ठीक है, होता तो मैं पूछता ही नहीं है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि अपन को पता नहीं कि जीरो इन्वेंट किसने किया था। ये आप देखेंगे भास्कर, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट और इन्होंने मतलब कि इसके ऊपर काम जरूर किया जीरो के ऊपर, लेकिन इन्होंने खाली जीरो के ऑपरेशंस आपके बताए, इनमें से किसी ने ये क्लेम नहीं किया कि हमने जीरो को इन्वेंट किया है। ये इनके पहले से ही मतलब जीरो इन्वेंटेड था आपके, ठीक है। और मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, एक क्वेश्चन आया था कि एक्स अपॉन जीरो पहले जीरो बताते थे, अब इन्फिनिटी भी बाद में किसने बताया था सबसे पहले, ठीक है। इसका आंसर आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बताया भी था, याद करिए। नेक्स्ट, व्हाट वर द एहतीज ऑफ द अकबर्स टाइम, अकबर के समय में अहदी कौन थे? ए विलेज लेवल मनी लैंडर्स, ग्रामीण स्तर के साहूकार, बी फुट सोल्जर्स इन द आर्मी, सेना में पैदल सैनिक, सी कैशियर्स वर्किंग इन दीवानी, दीवानी में कार्य करने वाले रोकड़िए, या डी विलेज गार्ड्स यानी ग्रामीण रक्षक। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, फुट सोल्जर्स इन द आर्मी। नेक्स्ट, विदूषक अ कॉमन कैरेक्टर इन संस्कृत ड्रामा इज इनवेरिएबली अ, संस्कृत नाटकों का एक सामान्य पात्र विदूषक निरपव रूप से क्या होता था? ए क्षत्रिय, बी ब्राह्मण, सी शूद्र या डी वैश्य। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मण। विदूषक आपका ध्यान है कि हीरो के साथ में एक जो कॉमिक कैरेक्टर होता था जो मतलब कि लोगों का एंटरटेनमेंट करता था, उन्हें हंसाता था, वो विदूषक होता था। तो वो आपका जो होता था ये मतलब ब्राह्मण ही होता था आपका, पर उसको क्या मतलब कि खाली वो ब्राह्मण बाय बर्थ होता था, उसके जनेऊ होती थी, बाकी उसको शास्त्रों शुस्त्रों का कुछ ज्ञान नहीं होता था, और जो एग्जिस्टिंग जो प्रैक्टिसेस होती थी फिर उनका वो मजाक भी बनाता था, ऐसे वो इस तरीके से मतलब कि सीरियस मैसेज भी देता था अपने मजाक के थ्रू। नेक्स्ट, विच वॉज फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध, मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? ए गिरविराज, बी पाटलिपुत्र, सी चंपा या डी वैशाली। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए गिरिवराज। ये गिरिवराज और कुछ नहीं आपके राजगृह है जो उसका ही पुराना नाम था गिरिवराज आपका,
ठीक है, तो ये राजगृह अंदर आपके जो था इसको कैपिटल को शिफ्ट किसने किया था, वो किया था अजात शत्रु ने, जो कि बिंबिसार का पुत्र था। बिंबिसार फाउंडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी एंड कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम द बुद्धा। और अजात शत्रु के जो बेटे को ये क्रेडिट किया जाता है कि उसने एक्चुअली मॉडर्न डे ये पाटलिपुत्र जो है इसको मतलब फाउंड किया था। ठीक है, नेक्स्ट द मोस्ट लाइकली रीजंस फॉर द पैट्रोनेज वॉज, संरक्षण के सर्वाधिक संभावित कारण क्या थे? फर्स्ट, टू लेजिटिमाइज पोजीशन एंड टू अर्न मेरिट, पद को वैध बनाना तथा योग्यता अर्जित करना। सेकंड, गिव एम्प्लॉयमेंट टू आर्टिसन, स्कल्पचर्स एक्सेट्रा, शिल्पकारों, मूर्तिकारों आदि को रोजगार देना। थर्ड, टू स्पेंड रिसोर्सेज ऑफ द एम्पायर, राज्य के संसाधनों को खर्च करना। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है देखें, तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन होता था, टू लेजिटिमाइज पोजीशन एंड टू अर्न मेरिट। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, फर्स्ट ओनली। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट साइमन कमीशन, साइमन कमीशन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखें, फर्स्ट, द एक्टिविटीज ऑफ स्वराज पार्टी हैड इंड्यूस्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द मॉन्टेग्यू चेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स। स्वराज पार्टी की गतिविधियों ने ब्रिटिश सरकार को मॉन्टेग्यू चेल्म्सफोर्ड सुधारों के द्वारा शुरू की गई द्वि शासन प्रणाली के कामकाज की समीक्षा करने के लिए प्रेरित किया था। तो ये तो आपका सही है। सेकंड, द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड साइमन कमीशन इन नवंबर 1927, ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन को नवंबर 1927 में नियुक्त किया था। तो ये भी आपका सही है। थर्ड, द साइमन कमीशन वॉज अपोज्ड बिकॉज इट्स ऑल मेंबर्स वर इंग्लिश, साइमन कमीशन का विरोध किया गया क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। तो ये भी आपका सही है। तो आपके तीनों के तीनों सही हो गए, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू ट्रांसलेट द भगवद गीता इंटू इंग्लिश? भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवादित करने वाला पहला यूरोपीय कौन था? ए, जेम्स प्रिंसेप, बी, अलेक्जेंडर कनिंघम, सी, विलियम जोन्स, या डी, चार्ल्स विल्किंस। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स विल्किंस। जेम्स प्रिंसेप, आपको ध्यान है अशोक के जो आपके इंस्क्रिप्शन से सबसे पहले फाउंड किए थे आपके डेसिफर और करने वाला जेम्स प्रिंसेप। अलेक्जेंडर कनिंघम आपको ध्यान है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। विलियम जोन्स आपका जो एशियाटिक सोसाइटी जो थी, ठीक है, उनको फाउंड किया था। तो अब आपका ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स विल्किंस, ये जो थे आपके इंग्लिश टाइपोग्राफर थे और फाउंडिंग मेंबर थे एशियाटिक सोसाइटी के। देखिए, विलियम जोन्स के साथ मिलकर इन्होंने फाउंड भी की थी एशियाटिक सोसाइटी। तो इन्होंने मेनली एक तो भगवद गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था, और इसके साथ इन्होंने पंचन कर्मकार जो कि थी उसके भी, सॉरी, पंचन कर्माकर के साथ मिलके इन्होंने अपनी बंगाली जो टाइपफेस जो थी फर्स्ट, उसको इन्होंने क्रिएट किया था। टाइपफेस जो ये टाइपिंग का जो एक मतलब फॉन्ट टाइप सा जो हो गया ना, वो इन्होंने क्रिएट किया था चार्ल्स विल्किंस ने। ठीक है, किसके साथ मिलके? पंचनन कर्माकर के साथ मिलके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज वॉज पास ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी अंडर द सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट? सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत 19वीं सदी के दूसरे भाग में निम्नलिखित में से कौन सा कानून पारित किया गया था? ए, सैंक्शन ऑफ इंटर कास्ट एंड इंटर कम्युनल मैरिजेस, अंतर जातीय तथा अंतर सांप्रदायिक विवाह को मंजूरी। बी, ओपनिंग ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शुरुआत। सी, फॉर्मेशन ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी का गठन। या डी, नन ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो आपके इंटर कास्ट और इंटर कम्युनल मैरिजेस की जो सैंक्शनिंग हो गई थी इसके अंदर। ये क्या था कि ये सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स जो मतलब अपने उस टाइम एक चल रही थी वेव की, कई सारे थिंकर्स जो कह रहे थे कि कुछ रिफॉर्म्स लेके आइए, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ज़्यादा तो रिफॉर्म्स नहीं लेके आए क्योंकि ऑर्थोडॉक्सी को भी अपीस रखना चाहते थे, लेकिन कुछ एक रिफॉर्म्स ज़रूर लेके आए थे वीमेन अपलिफ्टमेंट के लिए, जैसे कि सती को इलीगल मतलब कि करना 1829 के अंदर, फिर उसके बाद इन्फेंटिसाइड 1870 के अंदर इलीगल कर दिया था वीमेन फीमेल जो आपका इन्फेंटिसाइड जो था और फिटिसाइड। ठीक है, विडो रीमैरिज एक्ट लेके आए थे 1856 के अंदर। फिर ये जो जो लड़कियों की जो मैरिजेबल एज थी वो बढ़ा दी गई थी, ठीक है, 1860 के अंदर एक लॉ पास करके। फिर 1872 के अंदर ये लॉ पास किया गया था जिसने कि इंटर कास्ट और इंटर कम्युनल मैरिजेस को सैंक्शन किया था।
इसके बाद 1891 के अंदर एक जो चाइल्ड मैरिज जो है उसको डिस्करेज करने के लिए भी लॉ इन्होंने पास किया था। लेकिन ये जो सैंक्शन करना जो इंटरकास्ट मैरिज और इंटर कम्युनल मैरिज, ये लॉ कौन से ईयर में पास हुआ था, वो था आपका 1872। ये आपको ईयर्स आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारे सारे जो मैंने ईयर्स लिखे हैं आपके लिए। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के विषय में निम्नलिखित प्रश्नों पर कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, ही मेड नो ट्रीटी विद द ब्रिटिश, उसने अंग्रेजों के साथ कोई संधि नहीं की, तो ये तो गलत है। आपको ध्यान है आपके जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर ट्रीटी हुई ही थी। सेकेंड, ही हैड नॉट नो क्वारल विद द मराठा, उसकी मराठों के साथ कोई लड़ाई नहीं थी, तो ये भी गलत है। ये आपका ये मराठों के साथ आपके इसके जो है 1785 के बाद इसका काफ़ी इसके चली भी थी टेंशंस। थर्ड, ही सॉट फ्रेंच अलायंस, उसने फ्रांसीसी गठबंधन बनाने की कोशिश की थी, तो ये तो आपका करेक्ट है। आपको ध्यान है इसने नेपोलियन से भी हेल्प मांगने की कोशिश की थी। फोर्थ, ही फेल फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, वे अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया, तो ये भी सही है। आपका फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर इसकी डेथ हो गई थी, तो इसका करेक्ट अपने आंसर देखें। इससे कौन सा पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है क्या इसके अंदर? हाँ, करेक्ट ही पूछा है, तो थर्ड एंड फोर्थ आपके करेक्ट हैं, ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन्स वॉज नॉट मेड इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है। 1833 के चार्टर एक्ट में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं किया गया था? ए, द ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वर टू बी एबॉलिश्ड, ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतियों को समाप्त किया जाना था। बी, ऑल लॉ मेकिंग पावर्स टू बी कन्फर्ड ऑन गवर्नर जनरल इन काउंसिल, परिषद में कानून बनाने की सभी शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दी गई थी। सी, एन इंडियन वॉज टू बी अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर इन द गवर्नर जनरल काउंसिल, गवर्नर जनरल की परिषद में कानून निर्माता के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति की जानी थी। या डी, द डेजिग्नेशन ऑफ द सुप्रीम अथॉरिटी वॉज टू बी चेंज्ड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल, सर्वोच्च प्राधिकारी का पदनाम बदलकर परिषद में भारत का गवर्नर जनरल किया जाना था। तो इसमें से जो प्रोविजन इसके अंदर नहीं रखा गया था वो था आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसके अंदर आपका जो लॉ काउंसिल का मेंबर इंडियन नहीं होना था, वो ब्रिटिश ही होना था। मैकेले को ही तो रखा था इन्होंने फर्स्ट लॉ मेंबर इसका, तो वही तो है, तो इसमें इंडियन मेंबर कहाँ से हो गया? तो ये गलत है आपका। नेक्स्ट, अ ब्रॉन्ज चैरियट ऑफ हड़प्पन टाइम्स योक टू पेयर ऑफ बुलक्स एंड ड्रिवन बाय न्यूड ह्यूमन फिगर हैज बीन डिस्कवर्ड एट, हड़प्पा कालीन कांसे का एक रथ जिसे दो बैल जुते हुए तथा एक नग्न मनुष्य चला रहा है कहाँ से प्राप्त किया गया? ए, कुणाल, बी, दायमाबाद, सी, राजौड़ी रोजाड़ी या रोजड़ी, या डी, संघोल। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैमाबाद। ये दैमाबाद से आपको काफ़ी सारे ये ब्रॉन्ज के गुड्स मिलते हैं जिसमें कई सारे हड़प्पन कल्चर से भी इंस्पायर्ड हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज इज अशोका सेड टू हैव बिल्ट द सिटी ऑफ श्रीनगर, निम्नलिखित में से किस स्रोत के अनुसार अशोक ने कथित तौर पर श्रीनगर शहर का निर्माण करवाया था? ए, तिब्बतियन ट्रेडिशन, बी, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, सी, कल्हनाज राजतरंगिनी, या डी, जैन ट्रेडिशन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कल्हंस राजतरंगिनी। आपको ध्यान है कश्मीर के बारे में तो कल्हन की राजतरंगिनी ही है। तो इस कल्हन के अकॉर्डिंग इसने क्या लिखा कि अशोका ने रेन किया था 1882 BCE से पहले, और ये अपने जो गोधरा की जो डायनेस्टी थी उसका मेंबर था। कल्हन ये भी कहता है कि इसने जीना की डॉक्ट्राइन को फॉलो किया। अब जीना आपको ध्यान है कौन थे, जो आपके महावीर के लिए और जैन्स के लिए यूज़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कल्हन ने ये भी लिखा था। तो इसने कुछ एक ये मतलब कि सारी सारी स्टेटमेंट्स लिखी थी, लेकिन फिर भी स्कॉलर्स मानते हैं कि कल्हन का अशोक अपने बुद्धिस्ट मौर्यन एम्परर अशोक ही है। मतलब कि ये इतनी सारी डिस्क्रिपेंसीज है तो भी यही माना जाता है कि कल्हन ने अपने ये अशोक जो मौर्य है इसी की बात कर रहा था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स कंपेल्ड द कांग्रेस लीडर्स नॉट टू अटेंड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, निम्नलिखित किन कारणों ने कांग्रेस नेताओं को गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेने के लिए मजबूर किया था? ए, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज नॉट इन फेवर ऑफ महात्मा गांधी पार्टिसिपेशन इन इट, ब्रिटिश सरकार इसमें महात्मा गांधी को बुलाने के पक्ष में नहीं थी। बी, फजले हुसैन हु वॉज लीनिंग टुवर्ड्स द कांग्रेस वॉज टू गाइड द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द चॉइस ऑफ मुस्लिम डेलीगेट्स टू द कॉन्फ्रेंस, फजले हुसैन जो कांग्रेस की ओर झुकाव को रखते थे उन्हें सम्मेलन में मुस्लिम प्रतिनिधियों को चयन हेतु ब्रिटिश सरकार का मार्गदर्शन करना था।
सी द ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस, ब्रिटिश सरकार सांप्रदायिक संगठनों को प्रतिनिधित्व देना चाहती थी, या डी द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट गिव एनी एश्योरेंस टू द इफेक्ट दैट द डिस्कशन वुड प्रोसीड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रांटिंग पूर्ण स्वराज। ब्रिटिश सरकार ने इस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया था कि बातचीत पूर्ण स्वराज प्रदान करने के आधार पर आगे बढ़ेगी। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी ही है कि यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसे कोई एश्योरेंस नहीं दी थी कि ये पूर्ण स्वराज के बारे में डिस्कस किया जाएगा वहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, इसलिए कांग्रेस उसे अटेंड करने के लिए ज़्यादा एंथुसियास्टिक नहीं थी। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया विद इट्स स्पिरिट ऑफ स्वदेशी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। स्वदेश की भावना के साथ भारत में चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन की अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, टैगोर प्रीच द कल्ट ऑफ आत्मशक्ति, द मेन प्लैंक ऑफ विच वॉज सोशल एंड इकोनॉमिक रीजनरेशन ऑफ द विलेजेस। टैगोर ने आत्मशक्ति पंथ की शिक्षा दी जिसका मुख्य उद्देश्य गांव का सामाजिक तथा आर्थिक पुनर्निर्माण था। बी, इन 1889 द स्कीम ऑफ नेशनल एजुकेशन वॉज फॉर्मुलेटेड बाय सतीश चंद्र मुखर्जी। ये 1889 के अंदर सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा की योजना तैयार की गई। सी, लियाकत हुसैन लेड द मुस्लिम पेजेंट्स ऑफ बरिसल इन देयर एजिटेशंस। लियाकत हुसैन ने बरिसल में मुस्लिम कृषकों को उनके विद्रोह में नेतृत्व किया था। या डी, द बंगाल नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन 1906 विद अरबिंदो एज द प्रिंसिपल। बंगाल राष्ट्रीय कॉलेज की स्थापना 1906 में की गई जिसके प्रधानाचार्य अरबिंदो घोष थे। द बंगाल नेशनल कॉलेज, शायद मैं गलती से कांग्रेस बोल गया था, मैंने गौर नहीं किया। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ये जो लियाकत हुसैन थे, इन्होंने जो बरिसल के पीजेंट्स को लीड नहीं किया था, इनको लीड किया था अश्विनी कुमार दत्त ने। ठीक है, ये एक स्कूल टीचर थे और एक नेशनलिस्ट हीरो थे बंगाल के। तो इन्होंने जो बरिसल के पीजेंट्स को लीड किया था, लियाकत हुसैन ने नहीं किया था। तो ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट, व्हाट वर द इम्पैक्ट्स ऑफ कौटिल्यास अर्थशास्त्र इन मौर्यन एम्पायर। मौर्य साम्राज्य पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र से क्या प्रभाव पड़े? फर्स्ट, द अर्थशास्त्र प्रोवाइडेड द स्टेट मैनेजमेंट ऑफ लार्ज स्केल ट्रेड एंड इंडस्ट्री एंड एक्सरसाइज ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल ओवर एवरी ऑक्यूपेशन। अर्थशास्त्र ने बड़े पैमाने पर व्यापार और उद्योग के राजकीय प्रबंधन तथा प्रत्येक व्यवसाय पर प्रभावी नियंत्रण का प्रावधान किया था। करेक्ट है। सेकेंड, इट एम्फेसाइज्ड एजुकेशन एंड मोरल ट्रेनिंग टू द फ्यूचर किंग। इसमें भविष्य के शासक को शिक्षा तथा नैतिक प्रशिक्षण देने पर जोर दिया गया था। तो ये भी करेक्ट है। थर्ड, द अर्थशास्त्र मेंटेन्ड द स्टेट काउंसिल टू फॉर्मुलेट द पॉलिसी ऑफ द स्टेट। राज्य की नीति बनाने के लिए अर्थशास्त्र ने राज्य परिषद को कायम रखा था। तो ये भी सही है आपका। तो ये तीनों के तीनों सही हो गए, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, हु हैज रिटन द फेमस वर्क हिस्टोरिया। प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिया की रचना किसने की है? ए, शैलॉक, बी एरियन, सी जस्टिन, या डी हेरोडोटस। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, हेरोडोटस। हेरोडोटस आपको ध्यान है फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। तो हेरोडोटस ने ये बुक लिखी थी, एक ग्रीक हिस्टोरियन थे। तो ये पहला एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन करके एक हिस्टोरियोग्राफिक नैरेटिव लिखने का ये पहला अकाउंट था, ये हिस्टोरिया। ठीक है, तो इनको ये जो रोमन ऑरेटर सिसेरो ने बोला था फादर ऑफ हिस्ट्री, तो कल को क्वेश्चन आया कि फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को किसने बोला था, तो आंसर होएगा आपका सिसेरो। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, द रेन ऑफ द कुशान मोनार्क कनिष्क वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म बिकॉज। कुशान शासक कनिष्क का शासनकाल बौद्ध धर्म के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि फर्स्ट, इट विटनेस्ड द राइज ऑफ महायानिज्म, ये महायानवाद के उदय का गवाह बना था। सेकेंड, बुद्धिज्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना एंड सेंट्रल एशिया इन हिस टाइम। उसके समय बौद्ध धर्म चीन तथा मध्य एशिया में पहुंचा। थर्ड, द इमेजेस ऑफ बुद्ध एंड बोधिसत्वस बिगैन टू बी कार्व्ड आउट ड्यूरिंग हिस पीरियड। इस काल में बुद्ध तथा बोधिसत्व की मूर्तियाँ उत्कीर्णित की जाने लगी थी। तो देखिए, ये हो तो सारा कुछ इसके टाइम में रहा था, लेकिन टर्निंग पॉइंट किन चीज़ों से बना? तो टर्निंग पॉइंट आपका बना था एक तो कि यहाँ पे महायानिज्म जो था वो राइज होने लगा था, एक इंपॉर्टेंट सेक्ट आपका राइज होने लगा बुद्धिज्म का। दूसरा कि ये चाइना और सेंट्रल एशिया के अंदर ये इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, मूर्तियां बन रही है नहीं बन रही, उससे इसके टर्निंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ा बुद्धिज्म के? कुछ भी नहीं, इन दोनों से पड़ा। तो ये आपका फर्स्ट और सेकंड सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है।
Next, consider the following statements. First, in the course of evolution of forms of worship, in many instances, poets, saints emerged as leaders around whom there developed a community of devotees. उपासना के तरीकों के विकास के क्रम में कई बार कवि संत ऐसे नेता बनकर उभरे जिनके चारों तरफ भक्तों का एक समुदाय विकसित हुआ. तो ऐसा तो हुआ ही था आपके, कई ये पोइट्स तुकाराम जी हुए और हुए, कबीर जी भी आपके पोइट टाइप थे, तो इनके अराउंड इनके फॉलोअर्स तो कई हुए ही थे, तो ये तो आपका सही है ही है. नेक्स्ट, ब्राह्मण्स रिमेंड इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएटरीज बिटवीन गॉड्स एंड डिवोटीज इन सेवरल फॉर्म्स ऑफ भक्ति. ब्राह्मण भक्ति के कई रूपों में ईश्वर तथा भक्तों के बीच महत्वपूर्ण मध्यस्थ बने रहे. तो ये भी आपका सही है, लेकिन उन ट्रेडिशंस के अंदर भी क्या था कि जो आपके वीमेन और जो आपके सो कॉल्ड लोअर कास्ट थे उनको भी इन्वॉल्व लिया गया था उन फॉर्म्स ऑफ भक्ति के अंदर. तो ऐसा नहीं है कि ये ऑर्थोडॉक्सी ब्राह्मण्स की चल गई थी, भले ये इंटरमीडिएटरीज रहे थे लेकिन कि ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिस जो थी ना ये डिस्क्रिमिनेशन की, वो एक्सेप्ट नहीं की गई थी, लेकिन ये इंटरमीडिएटरीज रहे थे, तो ये आपका करेक्ट है. थर्ड, एट अ डिफरेंट लेवल हिस्टोरियंस ऑफ रिलीजन ऑफन क्लासीफाई भक्ति ट्रेडिशंस इंटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, सगुन एंड निर्गुण. एक अलग स्तर पर धर्म के इतिहासकारों ने भक्ति परंपराओं के अक्सर दो विस्तृत श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, सगुण तथा निर्गुण. तो सही है, ये आपके जो ये भक्ति जो ये मूवमेंट है ये दो तरह के माने गए हैं, एक तो सगुण और दूसरा निर्गुण. सगुण भक्ति के अंदर तो भगवान का एक ईश्वर का एक फॉर्म एक रूप माना गया, और निर्गुण में इसको फॉर्मलेस निरूप माना गया है. तो ये सगुण के तो तुकाराम जी वगैरह हो गए और निर्गुण के आपके कबीर जी हो गए. तो ये भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट है. तो आपके तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं आपके, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज सेड टू बी द फाउंडर ऑफ पशुपत कल्ट. निम्नलिखित में से किसे पशुपत संप्रदाय का संस्थापक कहा जाता है? ए कुशिक, बी बासव, सी गोरखनाथ और डी लकुशिला. तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी लकुशिला. तो ये लकुशिला जो थे ये आपके प्रोमिनेंट, तो ये शैवाइट रिवाइवलिस्ट थे. तो और ये मतलब कि इन्होंने स्टार्ट किया था आपका जो लकुशिला जो आपका जो सेक्ट है उसको. तो ये जो लिंग पुराण है इसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि ये जो थे 28वें और आखिरी अवतार थे भगवान शिव के. ठीक है, भगवान शिव के 28वें और आखिरी अवतार लिंग पुराण के अकॉर्डिंग कौन थे? तो वो थे आपके लकुलिशा. नेक्स्ट, इंडिकेट द इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइंड इन 1809 बिटवीन रणजीत सिंह एंड द इंग्लिश. रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के बीच की गई अमृतसर की संधि जो कि 1809 के अंदर आपकी हस्ताक्षरित की गई थी, उसका महत्व को इंगित करें. ए इट मार्क द बिगनिंग ऑफ एन ईरा ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द पंजाब. इससे पंजाब में शांति तथा समृद्धि का एक युग की शुरुआत हुई. बी इट हेल्प रंजीत सिंह इन रियलाइजिंग हिज एम्बिशन ऑफ कॉन्करिंग मुल्तान कश्मीर लद्दाख एंड पेशावर. इसने रंजीत सिंह को मुल्तान कश्मीर लद्दाख तथा पेशावर को जीतने की महत्वाकांक्षा का एहसास करवाया. सी इट रिकॉग्नाइज द पावर ऑफ द ब्रिटिश एज द पॉलिटिकल लिमिट ऑफ द रंजीत सिंह पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन. इसने रंजीत सिंह की विस्तारवादी नीति की राजनीतिक सीमा के रूप में अंग्रेजों की शक्ति को स्वीकार किया. या डी इट मेड हिम अनडिस्प्यूटेड मास्टर ऑफ ऑल द सिक्स. इसने इन्हें सभी सिखों का निर्विवादित नेता बना दिया. तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, इट रिकॉग्नाइज द पावर ऑफ द ब्रिटिश एज द पॉलिटिकल लिमिट ऑफ रंजीत सिंह पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन. तो ये जो आपके महाराजा रंजीत सिंह थे ये सिख एम्पायर के आपको ध्यान है फाउंडर थे. तो इन्होंने जो ट्रीटी साइन की थी, ये महाराजा रंजीत सिंह और चार्ल्स टी मेटकाल्फ के बीच के अंदर साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 वाली. ठीक है, तो इसके अंदर क्या आपके मेन ये टर्म था कि जो ये सतलज जो रिवर है इससे साउथ वाले रीजन के अंदर इनको एक्सपेंशन करना अलाउ नहीं किया गया था ब्रिटिश के द्वारा, लेकिन नॉर्थ के अंदर इनको एक्सपेंशन अलाउ कर दिया था. तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड देमसेल्व्स ब्राह्मण क्षत्रिय ब्रह्म क्षत्रिय. निम्नलिखित में से किन्होंने खुद को ब्रह्म क्षत्रिय कहा था? ए पालाज, बी चैमनाज, सी सेनाज या डी प्रतिहार्स. तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो सेन जो थे ये खुद को ब्रह्म क्षत्रिय कहते थे. ब्रह्म क्षत्रिय क्या हुए, मतलब कि वो ब्राह्मण जो क्षत्रिय का काम कर रहे थे तो उनको कहेंगे ब्रह्म क्षत्रिय. तो जो ब्राह्मण्स रूल करने लगे वो खुद को ब्रह्म क्षत्रिय कहते थे, इसका मतलब ये हुआ. तो जो ये सेन रूलर जो था समंत सेन, जिसने कि सेन किंगडम को फाउंड किया था, उसने खुद को डिस्क्राइब किया था ब्रह्म क्षत्रिय के रूप में. ठीक है,
और इनके जो ये सेन डायनेस्टी के इंस्क्रिप्शंस के अंदर आपको ये मिलेगा कि ये खुद को मेंशन करते कि हम ब्रह्म क्षत्रिय थे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट जहांगीर? जहांगीर के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? फर्स्ट, हिज रेन बिगिनिंग ऑफ न्यू इंटरकोर्स बिटवीन यूरोप एंड इंडिया, ऑफ नहीं आएगा, एंड आएगा। इसके शासनकाल में यूरोप तथा भारतीयों के बीच नए मेल जोल की शुरुआत हुई थी, तो सही, आपके सर थॉमस रॉय इसी टाइम आए थे। सेकेंड, अटेम्प्ट टू प्रोहिबिट ट्रैफिक इन इनंच, किन्नरों की तस्करी पर रोक लगाने की कोशिश भी इसने की थी, सही है। थर्ड, स्टार्टेड प्रैक्टिसेस ऑफ इंटरकास्ट मैरिजेस बिटवीन द फैमिलीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सरकारी अधिकारियों के परिवारों के बीच अंतरजातीय विवाह की प्रथा शुरुआत की थी इसने, तो ये इसका गलत है, ये इसने नहीं किया था। फोर्थ, ऑर्डर द एबोलिशन ऑफ इनह्यूमन कॉर्पोरल पनिशमेंट्स, अमानवीय दैहिक सजाओं पर रोक लगाने का इसने प्रयत्न किया था, तो ये भी इसका सही है, तो ये भी इसने आदेश दिया ही था। तो आपका फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ करेक्ट हैं, आपके सेकंड आपका इनकरेक्ट है, आपका करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो आपका हो गया फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, सॉरी फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ नहीं, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया आपका। नेक्स्ट, लॉर्ड माउंटबेटन एज अ वायसराय हैड कन्वर्स्ड विद फॉलोइंग इंडियन लीडर्स रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ पावर। वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता के हस्तांतरण के संदर्भ में निम्नलिखित भारतीय नेताओं से बातचीत की थी, तो ये नेहरू जी से की, सरदार पटेल से की, जिन्ना से की और गांधी जी से की, तो इनने किस सीक्वेंस में ये यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन मिले थे? तो देखिए, सबसे पहले पंडित नेहरू से मिले थे, ठीक है, पंडित नेहरू और इनकी फिर आपकी दोस्ती हो गई थी, तो नेहरू जी से तो पहले मिले, ठीक है। बाद में ये मिले थे गांधी जी से इनके, मतलब कि जो मिले थे तो गांधी जी से इनके बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे लॉर्ड माउंटबेटन, और काफ़ी ज़्यादा इनकी इज्जत की और की, तो गांधी जी मिलने गए थे तो वहाँ पे एसी चल रहा था, गांधी जी बाहर पसीने और से आए थे फुल गर्मी में, तो गांधी जी तो बिल्कुल कुर्सी में सिकुड़ के से बैठे हुए, इतने में वो लेडी एडमिना माउंटबेटन आई, उन्होंने देखा कि ऐसे बैठे हुए हैं, तो मतलब कि एसी बंद करवा के खिड़कियाँ खुलाई कि, और चिल्लाई नौकरों पर कि ये इनको तो निमोनिया हो जाएगा इस तरीके से। तो ये गांधी जी से बाद में मिले, गांधी जी वहाँ जाके जो बकरी के दूध की जो वो अपने दही बनाते थे वो भी खिला के आए थे लॉर्ड माउंटबेटन को, ठीक है। फिर ये बाद में मिले थे सरदार पटेल से, तो सरदार पटेल और इनसे एक बार आपस में सरदार पटेल ने ये लॉर्ड माउंटबेटन की टेस्टिंग की कोशिश की, तो एक बार थोड़ी सी एक मतलब कि अपनी कि कितनी स्ट्रांग पर्सनैलिटी, कितने काबिलियत है, तो उसके लिए मतलब थोड़ा बुली करना वहाँ पे सरदार पटेल ने स्टार्ट भी किया था एक तरीके से, तो ये यहाँ पे अपने जो टू स्ट्रांग पर्सनैलिटीज़ का क्रैश भी हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो सरदार पटेल मिले थे, और बाद में एंड में जिन्ना मिला था। जिन्ना का क्या था कि ये मतलब कि सबसे ज़्यादा अनरिजनेबल बंदा यहाँ पे जिन्ना ही लगा था लॉर्ड माउंटबेटन को, कि मतलब लॉर्ड माउंटबेटन समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे दंगे हो जाएंगे, ये प्रॉब्लम्स आएगी आप अगर पार्टीशन चाहते हो। जिन्ना मतलब कि सारा कुछ समझ रहा था फिर भी कह रहा था कि मेरे को पार्टीशन चाहिए, तो वो मतलब एंड के अंदर सब चीज़ मानने से मना कर देता था पार्टीशन की जिद पे, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में ये सबसे मिले थे लॉर्ड माउंटबेटन, इन चारों से इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे चारों के चारों लॉयर्स थे, ठीक है। तो 1, 4, 2, 3 आपका करेक्ट सीक्वेंस है, इसका ये जिक्र आपको फ्रीडम एट मिडनाइट जो बुक है उसके अंदर भी अच्छे से मिल जाता है आपको। नेक्स्ट, द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 सॉट टू, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने किस चीज़ की कोशिश की थी? ए, इंट्रोड्यूस सम पार्लियामेंट्री कंट्रोल द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर कुछ संसदीय नियंत्रण स्थापित करने की। बी, रिड्यूस द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू कर्टेल द कंपनीज ट्रेडिंग राइट्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के सशस्त्र बलों को कम करके कंपनी के व्यापारिक अधिकारियों को कम करने की कोशिश। सी, कन्वर्ट द कंपनी इनटू बिजनेस फर्म विदाउट एनी पॉलिटिकल अथॉरिटी, किसी भी राजनीतिक अधिकार के बिना कंपनी को एक व्यावसायिक फर्म में परिवर्तित करने की। या डी, कर्टेल द कंपनीज ट्रेडिंग राइट्स, कंपनी के व्यापारिक अधिकारियों को कम करने की। तो ये आपका है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, क्योंकि ये चाहते थे कि जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल आपका एस्टेब्लिश हो जाए पिट्स इंडिया एक्ट, क्योंकि आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से कुछ खास इनको फायदा नहीं होता, इसलिए पिट्स इंडिया एक्ट लेके आए थे, ठीक है। नेक्स्ट, द 19th सेंचुरी देयर वाज अ फिनोमिनल इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड बिकॉज, 19वीं सदी में भूमि पर जनसंख्या के दबाव में अभूतपूर्व वृद्धि हुई क्योंकि। ए, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमन क्रॉप अट्रैक्टेड द पीजेंट्री टू एग्रीकल्चर, वाणिज्यिक फसलों की शुरुआत ने किसान वर्ग को कृषि की तरफ आकर्षित किया। बी, रियून ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड विलेज इंडस्ट्रीज ड्रोव द पॉपुलेशन टू एग्रीकल्चर, विलक्षण हस्तशिल्प तथा ग्राम उद्योगों ने
आबादी को कृषि की तरफ आकर्षित किया। सी फॉल ऑफ नेटिव गवर्नमेंट्स हैड रिड्यूस्ड द एवेन्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देशी सरकारों के पतन के कारण रोजगार के रास्ते कम हो गए थे। या डी अर्बन पॉपुलेशन बिगेन टू माइग्रेट टू रूरल एरियाज फॉर रीजन ऑफ सिक्योरिटी, शहरी आबादी सुरक्षा कारणों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर जाने लगी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सॉरी बी, जो ये आपके हैंडीक्राफ्ट्स और विलेज इंडस्ट्रीज ये बर्बाद होने की वजह से फिर क्या हुआ, आपके लोग आपके कृषि की तरफ मुड़ने लगे थे। नेक्स्ट, द ग्रीक हिस्टोरियन रोट अबाउट अलेक्जेंडर्स इन्वेजन टू इंडिया, वो कौन सा था? वह ग्रीक इतिहासकार जिसने कि सिकंदर का भारत पे आक्रमण के बारे में लिखा, ए एरिस्टोटल, बी एरियन, सी हेरोडोटस या डी नन ऑफ दीज। तो एरिस्टोटल तो इसका गुरु था और हेरोडोटस तो आपको ध्यान है हिस्टोरिया लिखी थी और इसे फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है आपका एरियन। ठीक है, ये एरियन कौन था? ये एरियन एक ग्रीक हिस्टोरियन और एक मिलिट्री कमांडर भी रहा था रोमन पीरियड के अंदर। तो इसको माना जाता है कि बेस्ट सोर्स अलेक्जेंडर के जो कैंपेन्स है उसके ऊपर इसके वर्क्स को बेस्ट सोर्स मानते हैं। नेक्स्ट, हु वॉज प्रोक्लेम्ड एज मुगल एम्परर बाय असफ खान ऑन जहांगीर्स डेथ टू एंश्योर खुर्रम्स यानी और शाहजहांस एंथ्रोनमेंट। खुर्रम यानी कि शाहजहां के राज्याभिषेक को सुनिश्चित करने के लिए असफ खान के द्वारा किसे मुगल बादशाह घोषित किया गया था? ए शहरयार, बी तैमूर, सी हेशांग या डी द्वारबख्श। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी द्वारबख्श। ये द्वारबख्श कौन था? ये जहांगीर का पोता और जो इसका सबसे बड़ा बेटा था खुसरो जहांगीर का, उसका ये बेटा था। खुसरो का आपको ध्यान है ना 1622 में शाहजहां के कहने पर मरवा दिया गया था। तो क्या हुआ, जब जहांगीर की डेथ हुई तो ये असफ खान जो कि जहांगीर का तो एक वकील होता था और फिर बाद में ग्रैंड वजीर बन गया था ये शाहजहां का, तो असफ खान ने ताकि कि शाहजहां एम्परर बन जाए इसके लिए इसको एक पॉन बना दिया, एक प्यादा बना दिया था। ठीक है, तो क्या था कि ये नूरजहां चाहती थी कि शहरयार बने। ठीक है, लेकिन अब नूरजहां को फिर आपको चुप कराने के लिए एक मतलब एक थोड़ी सी एक कुछ टाइम के लिए एक एग्रीमेंट लाने के लिए क्या किया कि ये द्वारबख्श को बना दिया। द्वारबख्श ने फिर क्या किया, द्वारबख्श और शहरयार की जो फोर्सेस आमने सामने हुई, ठीक है, द्वारबख्श ने शहरयार को हरा के फिर क्या किया कि बंदी बना दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि शाहजहां का फिर एंथ्रोनमेंट हो गया और शाहजहां ने फिर ऑर्डर दे के ये द्वारबख्श शहरयार और सबको मरवा दिया। तो इस तरीके से शाहजहां आपका एम्परर बना था। नेक्स्ट, नो वन इज अलाउड टू मैरी आउटसाइड हिज कास्ट और टू एक्सचेंज वंस प्रोफेशन ऑफ फॉर अनदर और टू फॉलो मोर देन वन बिजनेस, दिस ऑब्जर्वेशन वॉज मेड बाय। किसी को भी अपनी जाति से बाहर विवाह करने की अथवा एक पेशे से दूसरे में जाने की या एक से अधिक व्यवसाय करने की अनुमति नहीं थी। ये अवलोकन किसके द्वारा किया गया था? ए फाहेन, बी हेनसांग, सी अलबरूनी या डी मेगेस्थनीस। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी मेगेस्थनीस। अब आपको ध्यान है मेगेस्थनीस तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, तो मतलब आप देखिए उस टाइम में भी आपका कास्ट सिस्टम रिजिड हो चुका था। नेक्स्ट, एक्सेप्ट टू जैन तीर्थंकर्स ऑल अदर्स मेंशन्ड इन ट्रेडिशन आर मिथिकल्स, टू एक्सेप्शंस इंक्लूड, दो जैन तीर्थंकरों के अलावा परंपरा में उल्लिखित सभी अन्य काल्पनिक हैं, ये दो अपवाद कौन है? ए शांतिनाथ तथा आदिनाथ, बी शांतिनाथ तथा वर्धमान, सी पार्श्वनाथ तथा वर्धमान या डी पार्श्वनाथ तथा आदिनाथ। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो पार्श्वनाथ और जो भगवान महावीर हैं ये ही आपके मिथिकल नहीं हैं, बाकी सारे के सारे आप देखेंगे ऋषभनाथ से लेके सारे के सारे आपके 22वें तीर्थंकर तक सारे के सारे मिथिकल हैं, क्योंकि ये जैन्स क्लेम करते हैं कि ये जैनिज्म में ये एटर्नल रिलीजन रहा है। ठीक है, लेकिन आपके देखेंगे पार्श्वनाथ और जो महावीर है यही आपके ओरिजिनल पर्सन्स पे बेस्ड आपके दो तीर्थंकर मिलेंगे, अदरवाइज बाकी सारे मिथिकल हैं। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, दिस साइट वॉज ग्रांटेड टू फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1674 बाय शेष्टा खान, अ गवर्नर अंडर द मुगल एम्परर औरंगजेब, ड्यूरिंग द सेवन ईयर्स वॉर दिस टाउन वॉज कैप्चर्ड बाय जॉन कंपनी बट लेटर रिस्टोर्ड टू द फ्रेंच। Recaptured by the English in 1778 after the outbreak of the American War of Independence, it was restored to the French by the Treaty of Paris. Wrested again by the British in 1793 on the outbreak of the Revolutionary Wars in Europe, it was finally restored to the French in 1915 and remained part of their overseas empire until its transfer to the Indian Republic in 1751. The reference here is to
तो एक तो आप यहाँ पे 1915 कर लीजिए, ठीक है। इस स्थल को 1674 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को शाइस्टा खान के द्वारा प्रदान किया गया था, जो मुगल शासक औरंगजेब का एक गवर्नर था। 7 वर्षों के युद्ध के दौरान इस शहर पर जॉन कंपनी के द्वारा कब्जा कर लिया गया, लेकिन बाद में इसे फ्रांसीसियों को लौटा दिया गया। 1778 में अंग्रेजों ने फिर से इस पर कब्जा कर लिया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम शुरू होने के बाद इसे फ्रांसीसियों को पेरिस की संधि के द्वारा वापस कर दिया गया। 1793 में फिर से अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया। यूरोप में क्रांतिकारी युद्ध शुरू होने के बाद अंततः फ्रांस को वापस कर दिया गया था आपका ये 1915 के अंदर, और ये 1951 तक ये जब तक ये भारतीय गणराज्य को हस्तांतरित करने से पहले उनके विदेशी साम्राज्य का भाग बना रहा था फ्रांसीसियों का। तो उपरोक्त वर्णन किसका है? ए चंद्रनगर, बी पौंडीचेरी, सी करिका या डी माहे। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए चंद्रनगर जो आपका है, ठीक है। ये चंद्रनगर जो है ये आपका ये एक हुगली डिस्ट्रिक्ट जो वेस्ट बंगाल में वहाँ का एक टाउन है। तो आपके 50 क्वेश्चंस हैं, ये आपके आज के ख़त्म हो गए हैं। आपकी आज की क्लास भी इसी के साथ ख़त्म होती है। आई होप आपको आज की क्लास में काफ़ी मज़ा आया होगा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा।